हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से क्रिएट करते हैं कार्ड्स को HTML और CSS की मदद से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरह के कार्ड्स को क्रिएट करने वाले हैं HTML और CSS की मदद से, सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो ये जो कार्ड्स हैं बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। ओके, कार्ड्स का यूज आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग वाली वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे आप इन कार्ड्स का यूज कर सकते हो। किस तरह से, कार्ड्स की जो इमेज है वहां पे आप अपनी आइटम की इमेज डाल सकते हो, जो भी चीज आप सेल करते हो उसकी इमेज वहां पे आप डाल सकते हो। टाइटल में उस आइटम का नाम लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिख सकते हो, वहां पे उसका प्राइस दे सकते हो। रीड मोर, बाय नाउ का बटन आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो और कार्ड्स की मदद से आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी दिखेगी और यूजर्स को भी आपका जो डेटा है बहुत अच्छे से दिखाई देगा और अच्छे से जो है यूजर एक्सपीरियंस कर पाएंगे आपकी वेबसाइट को। और कार्ड्स का यूज आप टूरिज्म वाली वेबसाइट्स में भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप किसी भी कंट्री में रहते हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बैंकॉक, कहीं पे भी, ओके, आप उन प्लेसेस के लिए कार्ड्स की मदद से बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। ओके, कार्ड्स के अंदर आप पॉपुलर डेस्टिनेशन की इमेजेस डाल सकते हो, उनके बारे में लिख सकते हो, प्लेसेस के नाम लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिख सकते हो, वहां पे आप बुक नाउ टिकट्स का बटन दे सकते हो या फिर रीड मोर का बटन दे सकते हो। तो कार्ड्स की मदद से आप डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजर को। ओके, और कार्ड्स का जो यूज है गूगल भी करता है, फेसबुक भी करता है, कहां पे, एड्स को शो करवाने में, बिकॉज कार्ड्स की मदद से डेटा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है साइट्स में। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से इन कार्ड्स को क्रिएट करते हैं HTML और CSS की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना किस तरह से हम क्रिएट करेंगे इन कार्ड्स को। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये जो कार्ड्स हम क्रिएट करने वाले हैं ये कंटेन करते हैं इमेज को और टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और एक बटन को। ओके, आप चाहें तो एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल बटन्स को भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, और ये जो वीडियो है इंटरमीडिएट लोगों के लिए है, जिनको थोड़ी बहुत CSS आती है और HTML आती है, वो इस वीडियो को बहुत ईजिली फॉलो कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, ओके, अभी अभी आपने HTML और CSS सीखना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप थोड़ा बहुत बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इजी होगी। ओके, और मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं CSS और HTML के ऊपर, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। ओके, और एक और बात, जो ये कोड है पूरा का पूरा इन कार्ड्स का, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने अपने ब्लॉग के अंदर पोस्ट कर दिया है, मेरा ब्लॉग आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप फ्रीली इस कोड को पिक कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ओके, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, और ये जो हम कार्ड्स बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे, बिकॉज अभी हमने रिस्पॉन्सिव ट्यूटोरियल्स स्टार्ट नहीं किए हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम डेस्कटॉप साइज और लैपटॉप साइज स्क्रीन्स के लिए बना रहे हैं। ओके, ये मोबाइल साइज स्क्रीन्स के लिए नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह के कार्ड्स हैं। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये जो कार्ड्स हमने यहाँ पे बनाए हैं ये मोबाइल के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए है। ओके, जब हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्सिव CSS के, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव चीज़ों की, उसके बाद आप इस चीज़ को खुद ही रिस्पॉन्सिव बना पाओगे। ओके, तो डरने की बात नहीं है, फिलहाल हम सीखेंगे किस तरह से हम इन कार्ड्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो न्यू टैब यहाँ पे ओपन करता हूँ, इस टैब को क्लोज कर लेता हूँ और साइड में इसको, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ और ये कोड अवेलेबल है ऑनलाइन। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस कोड की। फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है कार्ड्स के नाम का, इस फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करूंगा फाइल को, इसका नाम मैं दूंगा cards.html सेव, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ले आते हैं HTML का, आ गया। ओके, और टाइटल में लिख देते हैं कार्ड्स। अब हमें CSS भी देनी है, तो CSS में एक्सटर्नली दूंगा। ओके, तो एक्सटर्नली देने के लिए फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे सेम फोल्डर में, और इसका नाम मैं दूंगा cards.css सेव। अब इन दोनों फाइल्स को लिंक करवाना है, तो लिंक टैग की मदद से लिंक करवाएंगे, तो लिंक टैग आ गया हमारे पास। ओके, और href के अंदर अब हम क्या देंगे, एड्रेस हमारी .css वाली फाइल का। तो ब्राउजर पे .css वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ये आ गया एड्रेस हमारी फाइल का .css वाली, सॉरी HTML वाली थी ये रही CSS वाली। ओके, तो इसका कॉपी किया एड्रेस एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये दोनों फाइल्स लिंक हो चुकी हैं, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे HTML
की कोडिंग। सबसे पहले हम HTML में सब कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, उसके बाद हम उस डेटा को CSS देंगे। तो पेंट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फिलहाल, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एक बड़ा सा कार्ड बनाएंगे, बड़ा सा ब्लॉक, इस तरह का ब्लॉक हम बनाएंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स और क्रिएट करेंगे। एक ब्लॉक हम क्रिएट करने वाले हैं इमेज के लिए, ओके। उसके बाद हम अगला ब्लॉक क्रिएट करेंगे टाइटल के लिए, उसके बाद अगला ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे हमारी डिस्क्रिप्शन के लिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हम क्या क्रिएट कर देंगे, बटन को, ओके। तो इस तरह से हम कुछ करने वाले हैं HTML के अंदर। तो चलिए करते हैं अब। तो यहाँ पे मैं div का यूज करूंगा तो div टैग लगाया, ओके, तो div टैग यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब इस div टैग को क्लास देते हैं यहाँ पे हम, ओके। तो क्लास इसको मैं दूंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा कार्ड्स, ओके, कार्ड्स मैंने इसका नाम रख दिया। तो सेम हमने ऐसा कर लिया, पहला स्टेप हमने कर लिया, तो टिक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो पिंक कलर से टिक मार्क करूंगा। तो पहला चीज हमने कर लिया, इस कार्ड को हमने बना लिया, तो टिक मार्क कर लिया यहाँ पे हमने, ओके, ये रहा टिक मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट चीज है, हमें एक और ब्लॉक को बनाना है जो कि क्या कंटेन करेगा, इमेज। तो हमें ये रेड वाले ब्लॉक को बनाना है, तो इसको बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे कार्ड के अंदर जाएंगे और एक और डिव टैग को डिफाइन करेंगे, और इस डिव टैग को क्लास नेम मैं दूंगा इमेज, ओके, सेव हो गया। तो इसको भी हम टिक मार्क कर लेते हैं बिकॉज हमने ये चीज कर ली। अब नेक्स्ट चीज है, हमें एक और ब्लॉक चाहिए, लेकिन ये ब्लॉक जो है हमें इस वाले ब्लॉक के अंदर नहीं चाहिए, हमें इमेज के अंदर ये ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें इमेज से अलग चाहिए। तो इस ब्लॉक को अब हम क्रिएट करेंगे जो कि है टाइटल का। तो क्या करेंगे, हम इस इमेज वाले डिव टैग के नीचे हम एक और डिव टैग डिफाइन करेंगे, ओके, एक और डिव टैग, और इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, इसकी क्लास का नाम मैं दूंगा टाइटल, ओके। फिर हमें एक और ब्लॉक चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, ये चीज हमने कर ली। डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमें एक ब्लॉक चाहिए, तो इसको हम बना लेते हैं अब, ओके। डिस्क्रिप्शन के लिए ब्लॉक चाहिए, तो ये भी अलग से चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिव टैग, ओके, और इसको भी क्लास के थ्रू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस, यानी कि डिस्क्रिप्शन, और ये चीज भी हमने कर ली। अब हमने क्या बोला था, हमें एक बटन क्रिएट करना है उस डिस्क्रिप्शन वाले ब्लॉक के अंदर, तो हम इस बटन को डिस्क्रिप्शन के अंदर ही डिफाइन करेंगे। किस तरह से, डिस्क्रिप्शन वाले डिव टैग के अंदर जाएंगे, ओके, और यहाँ पे हम बटन क्रिएट कर लेंगे, और इसके अंदर लिख देंगे हम रीड मोर, रीड मोर, ओके। ये चीजें हमने कर ली। अब रिजल्ट देखते हैं ब्राउजर पे किस तरह का आता है। कंट्रोल ओ और cards.html को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए रीड मोर का बटन आया है सिर्फ और सिर्फ बिकॉज अभी हमने सिर्फ रीड मोर यहाँ पे किया है, ओके। टाइटल के अंदर कुछ लिख देते हैं, ओके, H1 हेडिंग इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल, टाइटल नेम, ओके, एंड रिफ्रेश, और ये देखिए टाइटल नेम आ गया। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख देते हैं, तो पैराग्राफ टैग की मदद से मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा, ओके। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा राइट योर टाइटल डिस्क्रिप्शन हियर, एंड सेव एंड रिफ्रेश, और ये देखिए ये चीज भी आ गई, ओके। अब हमें इमेज भी इंसर्ट करनी है, तो जो हमारा ये डिव टैग है, ओके, जो इमेज के लिए हमने बनाया है यहाँ पे क्लास इमेज, ओके, इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इमेज टैग को डिफाइन कर लेते हैं, ओके। अब इसके अंदर इमेज का सोर्स दे देते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं ब्राउजर पे एक इमेज, तो ये इमेज मैंने ओपन कर ली, और इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी, एंड यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देखते हैं कि आती है कि नहीं, रिफ्रेश, और ये इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई, स्लैश लगाता हूँ यहाँ पे, ओके, मैं पूरा एड्रेस कॉपी करके डाल देता हूँ, और ये इमेज आ गई। तो कुछ इस तरह का कार्ड अभी तक हमने बनाया है जिसके अंदर हमें इमेज दिखाई दे रही है, टाइटल नेम आ रहा है, और डिस्क्रिप्शन के बारे में आ रहा है, और रीड मोर का बटन आ रहा है, ओके। अब हमें इन सब चीजों को छोटा करना है और एक कार्ड के अंदर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं जितना भी कोडिंग हमने किया है, ये जो इमेज है और ये जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, रीड मोर का बटन है, ये सब कुछ कार्ड्स वाले डिव टैग के अंदर आ रहा है, ओके। ये जो हमने क्लास यहाँ पे डिफाइन की थी कार्ड्स वाली, इसके अंदर जो है ये सब कुछ है। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं इस चीज को, ये जो हमने यहाँ पे बनाया था,
हमारा पहला ब्लॉक, ये ब्लॉक कंटेन करता है सब कुछ। तो हम इस वाले ब्लॉक को क्या करेंगे, डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक की। तो करते हैं हम इसकी डिजाइनिंग। ओके, तो हम कार्ड्स को सीएसएस देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले स्टार कर्ली ब्रेसेस मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग भी 0 पिक्सल 0 पिक्सल। ओके, इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाएगी। तो रिफ्रेश और सबकी मार्जिन पैडिंग 0 हो गई। अब हम कार्ड्स को क्या देंगे, सीएसएस। तो इस कार्ड्स को हमें सीएसएस देनी है। तो यहाँ पे डॉट कार्ड्स कर्ली ब्रेसेस, हम चाहते हैं इस कार्ड की विड्थ हो अबाउट 20%। ओके, एंड रिफ्रेश, और ये हो गई 20% इसकी विड्थ। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो कार्ड के अंदर आए हमेशा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज की विड्थ को 100% देना पड़ेगा। किस तरह से, हम देंगे कुछ इस तरह से, डिव लिखेंगे हम। ओके, और सॉरी इमेज लिखेंगे हम। ओके, और इमेज के अंदर हम लिखेंगे हमने img टैग को यूज किया है और उसकी जो विड्थ है 100% होगी, तो ये कार्ड्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉट इमेज कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम विड्थ देंगे इसकी 100%। ओके, एंड रिफ्रेश, और अभी कोई फर्क नजर नहीं आया बिकॉज इमेज टैग कंटेन करता है हमारी इमेज को बेसिकली। ओके, इमेज टैग को हमें डिफाइन करना पड़ेगा मतलब। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इस डॉट इमेज के आगे हम स्पेस देंगे और लिख देंगे img, मतलब हमारा जो इमेज क्लास है उसके अंदर एक इमेज टैग है, उसकी विड्थ क्या होगी 100%। तो रिफ्रेश, और ये देखिए इसकी इमेज की विड्थ कितनी हो गई, 100%। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस कार्ड को, 30% कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये आ गया। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हम कार्ड्स को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें सब कुछ पता लगता रहे। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पे ग्रे, ताकि सब कुछ पता लगता रहे हमें। एंड सेव, रिफ्रेश, और ये बैकग्राउंड कलर आ गया, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हम चाहते हैं जो ये टाइटल नेम है ये सेंटर में आए। ओके, तो ये करना बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डॉट टाइटल कर्ली ब्रेसेस टेक्स्ट एलिजिन हमें चाहिए सेंटर के अंदर। तो रिफ्रेश, और ये देखिए टेक्स्ट हमारा सेंटर के अंदर आ गया। ओके, और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने h1 को किसके अंदर डाला है, हमारे टाइटल क्लास के अंदर। तो इसलिए मैंने क्लास टाइटल को क्या लिखा, टेक्स्ट एलिजिन सेंटर। ओके, और हम चाहते हैं कि हमारा जो बटन है और जो हमारी ये डिस्क्रिप्शन है ये भी कहाँ पे आए, सेंटर में आए। तो ये चीज करना भी बहुत इजी है। ओके, इसी तरह से होगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्लास दी है DES, ओके, डिस, और इसका टेक्स्ट एलिजिन हम क्या दे देंगे, सेंटर, सेम वैसे ही। इससे क्या होगा, बटन भी सेंटर में आ जाएगा। रिफ्रेश, और ये बटन भी सेंटर में आ गया, हमारे डिस्क्रिप्शन भी सेंटर में आ गई। अब नेक्स्ट चीज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्पेसिंग हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेसिंग हो। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है और ये जो हमारा बटन है रीड मोर का, इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत क्या हो, स्पेस हो। तो ये करना बहुत ईजी है, मार्जिन के थ्रू हम ये कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, हम यहाँ पे दे सकते हैं इसको बटन कर्ली ब्रेसेस। तो इसका मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हमें इसको देना है। तो मार्जिन टॉप यहाँ पे हम इसको देंगे अबाउट 10 पिक्सल्स। ओके, 10 पिक्सल सही रहेगा। रिफ्रेश, और ये देखिए थोड़ा गैप आया। अगर मैं इसको वैल्यू ज्यादा करता हूँ 100 पिक्सल, तो अब आपको ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना गैप आ गया। तो इस गैप को थोड़ा कम कर लेते हैं और इसको देते हैं अबाउट 20। रिफ्रेश, और ये 30 दे देता हूँ, 30। ओके, और नीचे से भी हम इसको थोड़ा गैप दे देंगे, अच्छा नहीं लग रहा ये इस तरह से, तो नीचे से भी इसको गैप दे देते हैं। तो मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं यहाँ पे, मार्जिन बॉटम भी इसको मैं 30 पिक्सल दूंगा, बराबर हो गया अब ये। ओके, ऊपर से भी 30 पिक्सल, नीचे से भी 30 पिक्सल। तो रिफ्रेश, और ये देखिए नीचे से 30 पिक्सल, ऊपर से भी 30 पिक्सल। अब इस बटन को अच्छे से डिजाइन करते हैं। ओके, तो बटन को हम बैकग्राउंड कलर देंगे व्हाइट। ओके, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं व्हाइट देना पसंद करूंगा। ओके, टेक्स्ट ब्लैक रहे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर में इसको दूंगा 1 पिक्सल एंड सॉलिड में दूंगा एंड ब्लैक कलर में दूंगा। ओके, एंड रिफ्रेश, और ये देखिए बटन कुछ इस तरह का हमारा बन गया। जूम करता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं आप। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिजाइन करते हैं, पैडिंग देते हैं इसको, सिंपल पैडिंग। पैडिंग मैं इसको दूंगा अबाउट 30 पिक्सल्स। ओके, एंड इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको हम, बॉर्डर रेडियस कितना दें, बॉर्डर रेडियस इसको मैं दूंगा 5 पिक्सल्स। ओके,
एंड अब आप देखेंगे ये जो बटन है काफी अच्छे से क्रिएट होके आ गया, पैडिंग ज्यादा हो गई आई थिंक, तो 10 कर लेते हैं इस चीज को। रिफ्रेश, अभी भी शायद ज्यादा है ये। ओके तो इसको कम कर लेते हैं थोड़ा और, तो 5 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको, एंड रिफ्रेश, और ये बटन बन गया काफी अच्छे से जो है, ये बटन बन के आ गया हमारे पास। अब आप देख सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाए, तो ये करने के लिए हम हावर का यूज कर सकते हैं। तो एक और बार हम इसके नीचे लिखेंगे CSS वाली फाइल में, बटन कॉलम होवर कैलिब्रेसिस, और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं ब्लैक पे, तो ब्लैक लिख दिया, और टेक्स्ट कलर हम चेंज करना चाहते हैं किस में, व्हाइट पे, तो ये भी हमने लिख दिया, एंड रिफ्रेश, सॉरी सेव, रिफ्रेश, और ये देखिए ये चीज़ हमने बना ली। और यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छे से सब कुछ दिखाई दे। ओके तो ट्रांजिशन ऐड करना बहुत ईजी है, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिशन और टाइमिंग दे देंगे अबाउट, मैं यहाँ पे 5s की दे रहा हूँ, मतलब 5 सेकंड लगेंगे इसको ब्लैक होने में ताकि आपको फर्क पता लगे। रिफ्रेश, और ये देखिए मैं कर्सर लेके गया और इसको 5 सेकंड लगे ब्लैक होने में, तो हम नहीं चाहते इतना टाइम लगे, तो यहाँ पे मैं 0.5 पे इसको वैल्यू दूंगा। रिफ्रेश, और ये देखिए काफी अच्छा लग गया, काफी अच्छा बन गया ये बटन अब हमारे पास। ओके तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है अभी ये, तो बटन हमने बना लिया इस तरह से। ओके अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, हम चाहते हैं कि जो हमारा इमेज है उसके कॉर्नर्स हैं, ओके, और जो हमारे कार्ड के कॉर्नर हैं वो राउंडेड हो थोड़े बहुत, ओके राउंडेड हो, तो ये करना भी बहुत इजी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्ड्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस देंगे। ओके बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में इसको 5 पिक्सल दूंगा। ओके सेम जितना हमने बटन को दिया था रेडियस। ओके रिफ्रेश, और ये देखिए कॉर्नर्स में थोड़ा कर्व आ चुका है हमारे पास। ओके ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को भी हमें कर्वी बनाना पड़ेगा ऊपर से, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से हमें कर्वी बनाना है, यहाँ से नीचे से नहीं। ओके अगर मैं एक और चीज मैं यहाँ पे कर लूँ, मैं यहाँ पे इस कार्ड्स को मार्जिन दे देता हूँ ताकि आपको दूर दूर दिखाई दे सब कुछ, एज के साथ अटैच ना दिखाई दे ये। रिफ्रेश, और ये देखिए आ गया, तो अब आप देख सकते हैं ऊपर इमेज बिल्कुल एकदम फ्लैट है, कॉर्नर में कोई वो राउंडेड चीज नहीं है, तो हम चाहते हैं इसमें राउंडेड चीज आए, लेकिन हमने कार्ड्स में बॉर्डर रेडियस दिया है 5 पिक्सल, पर तब भी ये शो नहीं हो रहा, क्यों क्यों शो नहीं हो रहा, बिकॉज जो इमेज है हमारी वो उस चीज को कवर कर रही है। ओके तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को भी बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, तो इस बॉर्डर रेडियस को मैं कॉपी करता हूँ एंड इस इमेज के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अभी भी गलत चीज हो जाएगी, क्या होगा देखते हैं। रिफ्रेश, ओके तो इसने क्या किया, बेसिकली इस चीज ने यहाँ पे हमारी इमेज को हर कॉर्नर से राउंडेड कर दिया। अगर मैं राउंडेड की वैल्यू ज्यादा बढ़ाऊं, 80 कर दूं, 80 पिक्सल, तो आपको फर्क नजर आएगा। रिफ्रेश, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने नीचे से भी इसको राउंडेड कर दिया, इस साइड से भी राउंडेड कर लिया, हम चाहते थे ये सिर्फ ऊपर से राउंडेड हो, तो इसके लिए हमें क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जिसका नाम है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। टॉप राइट रेडियस को हम चाहते हैं 80% हो जाए वो। ओके तो अब आप देखेंगे, रिफ्रेश, और ये देखिए टॉप राइट रेडियस जो है हमारे पास कितना आया, 80 पिक्सल। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ फिर से, और टॉप राइट की जगह हम लिखेंगे टॉप लेफ्ट, बिकॉज हम चाहते हैं टॉप लेफ्ट भी कितना हो, 80, तो हो गया। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं कितने के, इस कार्ड्स के रेडियस के बराबर कर लेते हैं, तो 80 की जगह हम 5 पिक्सल लिख देंगे, 5 पिक्सल, एंड रिफ्रेश, और ये देखिए बन गया हमारे पास कार्ड कुछ इस तरह से। ओके काफी इजी था इसको बनाना। अब नेक्स्ट चीज है, हम चाहते हैं कि टाइटल और नेम के बीच में भी थोड़ा बहुत गैप हो, तो ये गैप बनाना बहुत इजी है। ओके आप चाहें तो टाइटल में मार्जिन दे सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पैडिंग दे सकते हो, या मार्जिन दे सकते हो। ओके तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में पैडिंग दूंगा इसको अबाउट 4 पिक्सल। रिफ्रेश, और ये थोड़ा सा गैप आ गया यहाँ पे हमारे पास। ओके आप देख सकते हैं। ओके और ये जो फ्रंट साइड फ्रंट फैमिली है इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ सारे के सारे टेक्स्ट की, तो बॉडी के अंदर कर्ली ब्रेसेस और फ्रंट फैमिली में इसको दे दूंगा एरियल। ओके एरियल, एंड रिफ्रेश, और ये देखिए चेंज हो गया हमारा टेक्स्ट। ओके तो कुछ इस तरह का कार्ड अभी तक हमने बना लिया है, इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, कार्ड्स का 20% ही ठीक था। रिफ्रेश, और ये देखिए 20% अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसको 30 रखते हैं सिर्फ। ओके तो
इतना सब कुछ हमने कर लिया, अब नेक्स्ट चीज हम क्या चाहते हैं, इसके बाहर शेडो आए, तो हम चाहते हैं पूरे की पूरा जो ये ब्लॉक है, बड़े वाला जो ये ब्लॉक है, ब्लू वाला ब्लॉक, उसके बाहर शेडो आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्ड्स को शेडो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसका नाम है बॉक्स शेडो। ओके, बॉक्स शेडो लिख दिया यहाँ पे, बॉक्स शेडो। ओके, अब इसको हम 2 पिक्सल देंगे, 2 पिक्सल लेफ्ट राइट किया हमने, और 10 पिक्सल इसको मैं ब्लर करूंगा और ब्लैक कलर में चाहिए मेरे को ये। तो सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए कार्ड्स के बाहर किस तरह से ये बन के आ गया। आप चाहें तो इसको हॉवर इफेक्ट में भी डाल सकते हैं। ओके ओके, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कार्ड्स कॉलम हॉवर कर्ली ब्रशेस, और इस बॉक्स शेडो की लाइन को आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। सेव कीजिए, रिफ्रेश, और अब जब भी आप कर्सर को लेके जाएंगे इसके ऊपर तो आप देखेंगे शेडो बन रही है। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करना चाहूँगा अभी फिलहाल। ओके, और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं रीड मोड के ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो ये पॉइंटर बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कर्सर पॉइंटर। ओके, ये पॉइंटर बन जाएगा जब भी मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको कट करते हैं और बटन के ऊपर सीधे डाल देते हैं, रिफ्रेश, और ये देखिए पॉइंटर ये बन रहा है जब भी मैं बटन के ऊपर इसको लेके जा रहा हूँ। तो इतना सब कुछ हमने कर लिया। नेक्स्ट चीज, अब हमें ये बैकग्राउंड में ग्रे कलर नहीं चाहिए, आप चाहें तो ग्रे कलर का यूज कर सकते हो या ग्रेडियंट का यूज भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो। ओके, मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा इसमें। ओके, ज्यादा कलर्स नहीं करूंगा मैं, सिंपल इसको व्हाइट रखना पसंद करूंगा फिलहाल। ओके, तो मैं कार्ड्स का बैकग्राउंड कलर अब हटा दे रहा हूँ। ओके, हटा दिया एंड रिफ्रेश, और कुछ इस तरह का कार्ड हमने क्रिएट कर लिया, काफ़ी जल्दी हमने क्रिएट कर लिया ये कार्ड। ओके, अब सिंपल है, अब हम चाहते हैं टाइटल और नेम के बाहर भी थोड़ा बहुत पैडिंग आ जाए, थोड़ी बहुत स्पेसिंग, ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से अटैच एकदम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम पैडिंग दे सकते हैं इसको अबाउट 5 पिक्सल एंड रिफ्रेश, और ये देखिए इस तरह का ये हो गया। अब इस कार्ड्स को हम क्या कर देंगे, 20% कर लेते हैं एंड रिफ्रेश, और हमने कार्ड को बना लिया, कुछ इस तरह के कार्ड को हमने बना लिया बहुत इजीली। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स चाहिए। ओके, तो मल्टीपल कार्ड्स बनाना भी बहुत इजी है। ओके, अब ये कोड तो हमने सेट कर लिया, CSS का कोड ऐसा ही रहेगा। अब हमें HTML में क्या करना पड़ेगा, इस कोड को कॉपी करना पड़ेगा। तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया। ओके, एंड यहाँ पे स्पेस देता हूँ और यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, कार्ड्स। ओके, एंड इसके नीचे उस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इमेज को चेंज कर लेता हूँ, IMG2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, तो सेव, रिफ्रेश, और ये देखिए 2 कार्ड्स आ चुके होंगे मेरे पास यहाँ पे। ओके, इमेज नहीं आई यहाँ पे, आई थिंक मैंने इमेज का एड्रेस तो ठीक था, एक मिनट मैं IMG2 को, ओके, मैंने यहाँ पे PNG यूज़ किया इस इमेज में, तो यहाँ पे IMG-2.png आएगा। ओके, एंड अब ये चल पड़ेगी, रिफ्रेश, और ये देखिए तो बन गया हमारा कार्ड। ओके, इस तरह से हम मल्टीपल कार्ड्स को क्रिएट करेंगे। तो इस लाइन को फिर से कॉपी करूंगा मैं, फिर से कॉपी कर रहा हूँ मैं इस लाइन को, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया, एंड अब यहाँ पे IMG-3 कर दिया मैंने। ओके, एंड रिफ्रेश, एंड यहाँ पे IMG-3 भी आ गई हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि ये कार्ड्स एक लाइन के अंदर आए, तो ये करना बहुत इजी है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं हमारे पास। ओके, मैं सिंपल सा वे बताऊंगा आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसके थ्रू डायग्राम के। तो हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने एक कार्ड बना लिया, उस कार्ड के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स बना लिए जो कि कंटेन करते हैं इमेज को, टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, बटन को। ओके, ये सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन अब हमें एक और ब्लॉक चाहिए, एक बड़ा सा ब्लॉक, एक कुछ इस तरह का ब्लॉक हमें चाहिए, एक इस तरह का ब्लॉक जिसके अंदर हम रख सकें हमारे मल्टीपल कार्ड्स को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ब्लॉक के बाहर यानी कि कार्ड्स के बाहर हमें एक और ब्लॉक को क्रिएट करना है, तो उसको हम कर लेते हैं। तो हम सबसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला कोड है ये कार्ड्स का, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक और डिव टैग को डिफाइन कर लेते हैं, डिव। ओके, इसको यहाँ पे बंद कर लिया, सॉरी ओपन किया अभी मैंने डिव को, और इसको क्लास दे देते हैं मेन। ओके, मेन, और सबसे नीचे जाके जहाँ पे आपका लास्ट कार्ड एंड हो रहा है वहां पे जाके हमें इस वाले डिव को क्लोज करना है। तो ये डिव भी हमने क्लोज कर लिया, सेफ। अब हमें CSS के अंदर जाना है और उस मेन को क्या करना है, CSS देनी है। तो हमने क्लास नेम दिया था मेन, तो डॉट मेन
कर्ली ब्रेसेस, आप फ्लोट का यूज भी कर सकते हो, डिस्प्ले का यूज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले लिखूंगा, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करवाना है मुझे। ओके एज अ ब्लॉक रिफ्रेश एंड ये नहीं आया। ओके क्यों नहीं आया, लेट्स सी। यहाँ पे फ्लोट का यूज करके देखते हैं। फ्लोट, फ्लोट क्या करवाना था, लेफ्ट की साइड रिफ्रेश, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज हमें थोड़े ना मेन को फ्लोट कराना है या मेन को एक लाइन में लेके आना है, हमें लाइन में लेके आना है कार्ड्स को। तो ये जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है इसको कट करके मैं इस कार्ड्स वाले में पेस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे हमने कार्ड्स के अंदर लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड हो गया सिंपल। रिफ्रेश एंड हमने बना लिए इस तरह के ब्लॉक्स बहुत इजीली। ओके अब अगर आपको और ज्यादा ब्लॉक चाहिए तो आपको सिंपली इस लाइन को कॉपी करना है, जितने भी कोड हमने लिखा है ये। ओके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कार्ड्स वाले को। ओके मेक श्योर कि आप ये डिव क्लास मेन को कॉपी ना करें, ना इसका एंडिंग वाला टैग कॉपी करें, ना स्टार्टिंग वाला टैग कॉपी करें। ओके और उसके बाद इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे एंड रिफ्रेश। ओ सॉरी गलत हो गया कुछ, मैंने गलती से कुछ ना कुछ कॉपी कर लिया गलत। एक बार फिर से इसको कॉपी करता हूँ, सिर्फ दो को कॉपी करूंगा फिलहाल। ओके तो मैंने कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड सेव रिफ्रेश। और अभी भी मैंने कुछ गलत कर दिया, ओ मैंने कहीं पे कुछ गलत कर दिया। एक मिनट मैं पूरा बैक चले जाता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ मेन, और ये हो गया ठीक। ओके तो अब मैं सिर्फ एक ही कार्ड को कॉपी करूंगा। ओके शायद मैं गलती से ज्यादा कार्ड्स हर कहीं डाल दे रहा हूँ इसको मैं, शायद इस वजह से जो है ये खराब हो रहा है। तो ये रहा एक मिनट। ओके तो मैंने डिफ को क्लोज नहीं किया था, सॉरी। तो डिफ क्लोज हो गया। अब यहाँ पे अब इस कार्ड को कॉपी करते हैं इसके कोड को एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं चौथा कार्ड आया कि नहीं। और ये देखिए चौथा कार्ड आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कार्ड्स को बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। ओके आई होप आपको समझ आया हो किस तरह से ये कार्ड्स मैंने बनाए। ओके ऑलमोस्ट ये वीडियो बन गई 25 मिनट्स की, तो सॉरी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई, लेकिन काफ़ी ईजी था इन कार्ड्स को बनाना। आई होप आपको समझ आया हो। कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन कार्ड्स का कोड आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप फ्रीली इस कोड डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं इस कोड की। तो थैंक यू सो मच, और अपनी साइट्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ओके तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।